कितनी गर्मी है, एसी ऑन करिए ना, इतना पेट्रोल बचा कर क्या करेंगे। एसी ऑन ही है मिस कौर। अच्छा, मेरी तरफ घुमाइए। वेल मिस कौर, आपने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, आई मीन पहले रिजेक्ट किया फिर एक्सेप्ट किया, कोई पर्टिकुलर रीजन? फिर से रिजेक्ट कर दो? जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आई मीन मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि रिजेक्ट करके फिर से एक्सेप्ट कर लिया, क्या सोचा आपने? आपने कहा था ना कि सोचो, तो मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा, और मैंने इतना सोचा कि मैं क्या बताऊं मैंने कितना सोचा। फिर मुझे सोचकर ये एहसास हुआ कि मैं क्या सोचकर ये फैसला ले रही थी, मैं इतना अच्छा जॉब का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी मैं, तो बस मैंने अपनी गलती सुधारी और एक्सेप्ट कर लिया। राइट राइट, अरे मतलब आगे से राइट। सॉरी, I'm really happy कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो कब से ज्वाइन करेंगी आप? देखिए मेरा तो सिंपल सा फंडा है मिस्टर प्रह, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। राइट राइट नहीं, आगे से लेफ्ट। ओके ओके, लेफ्ट। मिस कौर, तो आपको मेरे घर रुकने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन आई होप आप कंफर्टेबल हैं। मिस्टर प्रह, मैं आपके घर नहीं रुक रही। राइट मतलब? राइट मतलब सज्जा दाइना। राइट सज्जा दाइना, आई नो, मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा था कि आपका मतलब क्या है कि आप मेरे घर नहीं रुकेंगी। आई मीन आप अगर नहीं रुकेंगी तो आप अकी का ख्याल कैसे रखेंगी? स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।